सामाजिक संस्था बीआर एजुकेशन सोशल फाउंडेशन, जो कि शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में निरंतर 3 सालों से कार्य करती आ रही है, वही संस्था द्वारा बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए निरंतर 3 सालों से सेल्फी विथ स्कोरा वितरण अभियान चलाती आ रही है। इस अभियान के तहत बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए 11,000 सकोरे लगाती है। वही संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर 3 सालों से मेरा पौधा मेरी कक्षा अभियान के तहत 11,000 पेड़ पौधे लगाती है। आज संस्था द्वारा पिपलिया मंडी नगर में कुंवर रणजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में सकोरे लगाए गए हैं। वहीं श्री शक्तावत द्वारा संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर संस्था को 111 सकोरे एवं 111 पौधे संस्था को दान पूर्वक भेंट किए गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना एवं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव समाज सेवी कुंवर रणजीत सिंह शक्तावत ठिकाना मुंदेड़ी एवं संस्था के पदाधिकारी द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि पिपलिया मंडी रेलवे स्टेशन, नगर पालिका, पुलिस चौकी, पीजी कॉलेज, पुलिस थाना, पावागढ़ माताजी मंदिर, शारदा स्कूल, पुलिस चौकी बूढ़ा नगर, पंचायत भवन में सकोरे लगाए हैं। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी राकेश चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक खींची, बीआर फाउंडेशन संस्थापक कृष्णा परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या मालवीय, जिला सचिव दशरथ चौहान, नीमच जिला उपाध्यक्ष समीर मंसूरी, प्रतापगढ़ जिला उपाध्यक्ष जीवन सोलंकी, मंदसौर जिला सह सचिव बाल मुकुंद मालवीय, मीडिया प्रभारी सूरज धनगर, संस्था की आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य कमलेश भमरोटा, भरत मालवीय, पवन नगुना, यशपाल सिंह झाला, शुभम सिंह, संजय सिंह देवड़ा, महिपाल सिंह, संजय गुर्जर आदि बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्था निरंतर 3 सालों से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। उक्त कार्यक्रम की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सूरज धनगर द्वारा दी गई। जान बचाने के लिए और मानव ताकि सेवा करने के लिए बीआर अंबेडकर फाउंडेशन जो संस्था है पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही है, और विशेषकर मंदसौर जिले में जो कृष्णा परिहार जी और पूरी टीम है जो लगातार अभी देख रहे हम 4 वर्षों से पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए भरी दोपहरी में गर्मी में पूरे जिले के जितने भी शासकीय महाविद्यालय स्कूल है, अस्पताल हुए, नगर पंचायत हुए, ये पुलिस थाना परिसर हुए, ये सार्वजनिक जितने भी स्थान है मुक्तिधाम, सब जगह जाकर जन सहयोग से ये सकोरे लगा रहे हैं। बहुत ही आज ये पिपलिया मंडी में भी सभी जगह इनने सकोरे लगाए और हमको भी चाहिए इस संस्था का इनके पदाधिकारियों को सहयोग करें, हौसला अफजाई करें, और कोरोना काल में भी इसी संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवार को राशन भी दिया गया, बाढ़ में भी इन लोगों ने बहुत अच्छी लोगों की मदद करी है। तो इस संस्था के सारे पदाधिकारियों को हम बहुत बधाई शुभकामना देना चाहते हैं। क्या सुनो आपका? अशोक खींची। फाउंडेशन जो सामाजिक कार्य कर रही है पशु पक्षियों के लिए, आम आवाम के लिए जो कार्य कर रही है, और उसके संस्थापक जो है हमारे परिहार साहब कृष्णा परिहार जी, वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो पक्षियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कोरोना काल में भी बहुत सारे काम किए हैं और आज भी उनके द्वारा जो है यहाँ पर सकोरे लगाने के लिए मुझे प्रेरित किया गया था और मुझसे आग्रह किया गया था कि पिपलिया मंडी में भी आप चाहें तो यहाँ सकोरे लगाएंगे और यहाँ पर पक्षियों की जान बचाएंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने तुरंत प्रभाव से उनको कहा बिल्कुल लगाए जाएँ। 101 सकोरा मेरी तरफ से यहाँ पर पिपलिया मंडी में लगाने के लिए मैंने कहा और आज उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है और उन्होंने सकोरे लगाने का जो काम किया है वास्तव में वो प्रशंसनीय कार्य है और इस प्रकार का हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और जो उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनसे मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ और उनके हर कार्य में मदद करने की मैंने उनको जो है मेरी तरफ से पूर्ण रूप से वादा किया। आपका नाम? रणजीत सिंह शक्तावत, काना मुंदेर, हाल मुकाम रमा हुए पिपलिया मंडी। ये आज पुलिस चौकी पिपलिया मंडी पर बी आर फाउंडेशन के संस्थापक और उनकी पूरी टीम, कृष्णा परिहार है उनकी पूरी टीम आज चौकी पर आई और इस भयंकर गर्मी में पशु पक्षियों के लिए उन्होंने जलपात्र की व्यवस्था की है और जलपात्र यहाँ चौकी पर लगाए हैं ताकि
भयंकर गर्मी में पशु पक्षियों को पानी पीने को मिल सके, उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है और निरंतर इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। और उसी के दौरान इनने आज यहाँ बिबले मंडी में चौकी क्षेत्र में इनकी पूरी टीम ने पुलिस टीम के साथ मिलकर जलपात्र पशु पक्षियों के लिए लगाए हैं और आगे भी निरंतर ये इस प्रकार के कार्य करने के लिए आश्वासन इन्हें दिए हैं और ये अभी कुछ समय बाद वृक्षारोपण अभियान भी शुरू करेंगे। इनकी पूरे फाउंडेशन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि ये निरंतर इस प्रकार के कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।